हेलो फ्रेंड्स, मैं सम्राट सर। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए कब तक आवेदन लिया जाएगा और इसके लिए कब एंट्रेंस टेस्ट आयोजित की जाएगी। यानी आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए टेस्ट आयोजित की जा रही है, उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमबीए बीएड में दाखिले के लिए आवेदन 15 तक, इग्नू के जनवरी 2019 सत्र के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम एमबीए और बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक लिए जाएंगे। यानी आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं और एमबीए करना चाहते हैं तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए 15 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रवेश परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। यानी इसके लिए प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट 16 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो है कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ यही हो गया कि आप डायरेक्ट संबंधित संस्थान में आवेदन पत्र जमा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस प्रकार से आप जान चुके हैं कि इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू बीएड से संबंधित सभी न्यूज़ को सबसे पहले प्राप्त करने हेतु मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।